चित्रकूट विधानसभा भयभीत दावेदारों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार कांग्रेस के बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने की बात कह रहे हैं। मोहन मरकाम का कहना है कि चित्रकूट विधानसभा का प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की पसंद का ही होगा और उस नाम में आखिरी मोहर कांग्रेस चुनाव समिति लगाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट चुनाव प्रभारी नारायण चंदेल भी अपने दो दिवसीय प्रवास पर चित्रकूट पहुंचे। इस दौरान वे भाजपा प्रत्याशी के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। नेताओं ने वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, आज मैं भी जा रहा हूं, माननीय किरण देव जी भी जा रहे हैं, महेश गागड़ा जी भी जाने वाले हैं। हम लोग सब आज फिर कार्यकर्ताओं से फाइनल चर्चा करेंगे और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, उसमें हम अपनी रिपोर्ट देंगे और अंतिम निर्णय पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो करेगा। हम सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे, प्रत्याशी कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति को प्रेषित करती है और हाईकमान ये तय करता है। जैसे अभी उपचुनाव डिक्लेयर हो गया, हम लोगों की तैयारी थी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और निगम मंडलों का भी नियुक्ति जल्दी से जल्दी होना था, मगर हम लोगों का आधा समय अब एक महीना हम लोग दंतेवाड़ा में समय बीतेगा, इसलिए हम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ दंतेवाड़ा उपचुनाव है, इसलिए निगम मंडलों की ओर हम लोगों का थोड़ा समय लगेगा ऐसे हमें लगता है।